पे बात कंटिन्यू करते हैं। देखें, मैं डिफरेंट जाविये से देखना चाह रहा हूँ जो आपने मुझसे सवाल पूछा, और एक तो ये कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, एक साइकियाट्रिक असेसमेंट, राइट साइकियाट्रिक असेसमेंट टेक्स अराउंड 1 आवर एटलीस्ट, बिल्कुल ठीक है, वो भी एक सेशन होता है, उसके बाद हम 2-3 और सेशन करके फिर देखते हैं कि भाई एक्चुअली क्या मसला है। उसकी वजह ये है कि प्रॉपर साइकियाट्री अगर की जाए ना तो उसमें हमें बहुत से डिफरेंट एक्सेस देखने पड़ते हैं, एक्सेस 1, एक्सेस 2, एक्सेस 3, एक्सेस 4। अब इसको मैं ईजी लफ्ज़ों में जिसमें जाऊँ ताकि आम पब्लिक को समझ में आए, ये फिर मैं मुश्किल बना रहा हूँ, ट्रेट वर्सेस स्टेट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक इंसान स्टेट, जैसे आपकी अभी करंट पोजिशन क्या है, आपका मेंटल स्टेट क्या है, अगर आप जो बातें सोच रहे हैं और सोचते रहते हैं, सपोज दिमाग में घूमती रहती है, तो अगर बहुत सालों से हैं, मे भी बचपन से, तो इट माइट बी पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है ना। वो एक्सेस टू है, एक्सेस वन जो है ना वो चीज़ है कि मैं अच्छा भला खुश इंसान था, मुझे कभी कोई एंजाइटी नहीं थी, अचानक से 5-7 हफ्ते हो गए मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मैं मायूस सा हूँ, उदास हूँ, दिल नहीं चाह रहा लोगों से बात करने का, कमज़ोरी महसूस हो रही है, और ये पता नहीं बेचैनी सी है, नींद नहीं आ रही, भूख मर, अब मेरा वजन गिरने लगा, ये चीज़ें जो अचानक जब चेंज आता है एटलीस्ट 1 महीना, 3 हफ्ते, 2 महीने, तो ये चेंज है, इट्स स्टेट नहीं है, ये सॉरी ट्रेट नहीं है, स्टेट है, स्टेट है, तो वो स्टेट आपका चेंज हुआ है, और लोगों को भी पता चल रहा है कि भाई ये ऐसा इंसान था तो नहीं, इस तरह काम पर बड़ा खुश खुश आता था, हर एक से बात करता था, जोक करता था, इसको क्या हो गया। तो एक तो ये देखना होता है कि जब हम पेशेंट असेस कर रहे होते हैं कि कितना वो उसका प्रॉब्लम जो है ना उसकी पर्सनैलिटी कैसे है और कितना एक्चुअली जो है ना उसका इस प्रॉब्लम से ताल्लुक है। अच्छा, जहाँ तक सोच है, नेगेटिव सोचें हैं, अब वो एंजाइटी का हिस्सा भी हो सकती है, वो डिप्रेशन का हिस्सा भी हो सकती है, और OCD का हिस्सा भी हो सकती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कई दफ़ा जो सोचें आती हैं और एक सेम सोच बार बार आ रही है, सपोज उसे हम रूमिनेशन कहते हैं इसमें साइकेट्रिक टर्म में, तो और रूमिनेशन के साथ रिचुअल्स, और कभी कभी ये होता है कि ऑब्सेसिव थॉट्स, जैसे वो लोग जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनमें ये बड़ा कॉमन होता है कि वो लिस्ट बनाते हैं, वो हर चीज़ ऑर्डर पे करते हैं, रूल्स पे चलते हैं, हर चीज़ डिटेल में करते हैं, सफाई पसंद होते हैं, और उनको चेंज नहीं पसंद होता, दे आर फिक्सेटेड अबाउट सर्टन थिंग्स, दे डोंट लाइक चेंज, तो दैट इज़ एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और उसका दूसरा नाम एनकास्टिक पर्सनैलिटी है। तो अगर पर्सनैलिटी का हिस्सा है और साथ में एनजाइटी बढ़ रही है, तो मे भी एनजाइटी कुछ हद तक ठीक होगी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी तो चेंज नहीं होगी ना। बिल्कुल ठीक, और मैं उसको ये बोलूँगा यार मैं ये दवाई दे दूंगा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, देन गलत है। अब ये देखना है कितना 50-60% उसकी पर्सनैलिटी है, 20-30% उसके ऊपर थोड़ा सा और एडिड सिम्टम्स आ गए, तो वो होगा ये कि उसके सिम्टम्स बेहतर हो जाएंगे, पर्सनैलिटी वैसे ही रहेगी, और पर्सनैलिटी चेंज करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग इवन फॉर अ साइकाइट्रिस्ट। उसके लिए आपको उसके चाइल्डहुड पे जाना है, देखना है उसकी ब्रॉटअप कैसा हुआ है, और उसके जेनेटिक वर्सेस जीन्स में कितनी चीज़ें आई हैं, लेकिन साथ में अर्ली डेवलपमेंट में क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए, सिबलिंग्स के साथ कोई ट्रॉमा, कोई इमोशनल इश्यूज, ऐसी चीज़ें तो नहीं हुई स्कूल में बुलिंग कि जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई। फिर इसके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में गिल्ट, कहीं ना कहीं गिल्ट होता है, पास ब्लेम, तो वो जो ब्लेम करता है ना इंसान अपने आप को कि मैंने कुछ चीज़ गलत की थी, और फिर वो अपने आप को बुरा इंसान समझता है, तो बुराई से कहता है मैं गंदा हूँ, फिर वो कई दफ़ा करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त हाथ धो रहे होते हैं, मेरे पास आते हैं, एक औरत आई थी वो तो ब्लीच से गर्म पानी से इतने हाथ धोती थी उसकी पूरी स्किन उतर गई थी। अब वो जब मेरी उससे बात हुई डिटेल में, तो सेकंड सेशन थर्ड में आके उसने फिर डिस्क्लोज़ किया कि उसने कोई चीज़ ऐसी की थी 2016 में पहले जहाँ जिस पर वो गिल्टी थी, फिर 2018 में सिम्टम्स आए, उसके बाद वो हाथ धोना शुरू किया, तो एक्चुअली उसको मेन ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयाँ नहीं थी, बट वो जो इश्यूज हुए थे उसके साथ जिसकी वजह से उसको गिल्ट क्रिएट हुआ था, उससे डील करना साइकोलॉजिकली, और जब वो गिल्ट ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये साइकोडायनेमिक अप्रोच है कि कॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पे क्या ऐसी चीज़ चल रही है दिमाग के अंदर जिसको आपको डील करना है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। ऐसे लोग फिर एक और डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिसे हम सबलिमिनेशन कहते हैं। होता ही है कि अपने आपको इतना बिजी कर देते हैं, इतना बिजी कर देते हैं कि वो सोचना नहीं चाहते उन प्रॉब्लम्स के बारे में, और वो एक तरह कभी कभी बहुत पढ़ भी लेते हैं, बड़े स्पोर्ट्समैन भी बन जाते हैं, लेकिन वो बैठते नहीं हैं जी,
अगर फिजिकली वो नहीं भाग दौड़ रहे होते उनका दिमाग चल रहा होता है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो अगर रुक जाएंगे ना तो फिर वो सोचे ऊपर आएंगे जी, ऐसे ही और नहीं चाहते कि उसको सप्रेस करना चाहते हैं किसी तरीके से, तो ये एक और डिफेंस मैकेनिज्म है जिसकी ऐसे सोचें चलती हैं बहुत, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली सोचों के चलना डिप्रेशन का हिस्सा भी हो सकता है, एंजाइटी का, ओसीडी का और बहुत सी, तो कई दफ़ा मायूसी का जो है बाद हम मायूसी करते हैं, हर मायूसी डिप्रेशन नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, हमें वो एज अ सिम्टम भी देखना है, नॉट एज अ डायग्नोसिस, बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, देखें ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं होंगी।